चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर टच करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो फौरन से आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो में हम सहरी के हवाले से उन बच्चे और बच्चियों के लिए जो कि पहला रोज़ा रख रहे होते हैं और उनके लिए हैवी जो सहरी होती है वो कर नहीं सकते, तो उनके लिए हम बहुत ही नॉर्मल सा और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो है उसकी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, जो कि हम डबल रोटी और अंडे से बनाने वाले हैं, तो और वो भी आमलेट स्टाइल में। तो यहाँ पर उनके लिए सहरी का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चंद मैंने डबल रोटी के स्लाइस लिए हैं, उसी के साथ मैंने दो अंडे लिए हैं, इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज जो है बिल्कुल बारीक चॉप किया है, इसी के साथ ही धनिया पत्ते मैंने बारीक कट किए हैं, साथ ही मैंने टमाटर जो है वो बिल्कुल बारीक उसको भी चॉप किया है, शिमला मिर्च मैंने ग्रीन वाली ली है उसको भी बारीक चॉप किया है, रेड वाली शिमला मिर्च मैंने ली है उसको भी बारीक चॉप किया है। इसी के साथ ही यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मिल्क लिया है, और इसी के साथ यहाँ पर चेडर चीज़ मैंने ली है, साथ ही मोज़रेला चीज़ ली है, इसी के साथ ही यहाँ पर ड्राई मसालों में मैंने ब्लैक पेपर लिया है 1/2 टीस्पून, नमक लिया हसबे ज़ायका, और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने लिए 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त किस्म की सहरी की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों अंडों को बाउल में जो है तोड़ कर डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम ऑमलेट का जो बैटर है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी कट की हुई चॉप की हुई प्याज, इसी के साथ ही इसमें चॉप किया हुआ रेड शिमला मिर्च और चॉप किया हुआ ग्रीन शिमला मिर्च, इसी के साथ ही मैं यहाँ पर चॉप किए हुए टमाटर और ग्रीन यानी हरे रंग का जो हमारा धनिया है फ्रेश फ्रेश, हम उसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही इसमें नमक हम ऐड करेंगे हसबे ज़ायका, और रेड चिली फ्लेक्स जो है वो भी हम ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, जिससे आमलेट का बैटर होता है ना, वैसे ही बैटर हम इस पर बना लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब सबसे एंड में हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क हम अपने उसके मुताबिक करेंगे ताकि हमारा बहुत ही पतला सा बैटर ना बने। तो ये मिल्क भी मैंने ऐड कर दिया, अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर और भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये बन गया हमारे आमलेट का बैटर, अब इसको हम रख देते हैं और स्लाइस की कटिंग कर लेते हैं। अब हम स्लाइस की कटिंग कर लेते हैं, ये इस तरीके से दो दो स्लाइस में आपस में ज्वाइंट करके, और इसके अंदर की हम कटिंग करेंगे इस तरीके से, अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो हमने अलग करने हैं इसमें से। तो ये इस तरीके से मैंने अंदर के जो पार्ट्स हैं वो इससे अलग कर देने और साइड जो है वो अलग कर देना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी के। आज की वीडियो में हम सहरी के हवाले से उन बच्चे और बच्चियों के लिए जो कि पहला रोज़ा रख रहे होते हैं और उनके लिए हैवी जो इस तरीके से हमने तमाम जो स्लाइस है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये तमाम स्लाइस जो है वो इस तरीके से मैंने कट कर लिए। फ्लेम ऑन करके मैंने पैन रख दिया है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब मैं घी ऐड कर रही हूँ इसमें, तो आप यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ, अब मैं इसको मैं थोड़ा सा फैला दूँगी ताकि पूरे पैन में अच्छे से ये लग जाए। और ये जहन में रखें कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम रखना है हमने, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। अब इसी के साथ जैसे घी हमारा गर्म हो गया, तो मैं ये एक जो इस तरीके के मैंने पार्ट्स बाहर के इसके कट किए हैं डबल रोटी के, ये मैं रख दूँगी दोनों, और इसके सेंटर में ही हल्का सा गर्म होने के बाद इसके सेंटर ही मैं ऐड कर दूंगी यहाँ जो मैंने बैटर बनाया था आमलेट टाइप का। फ्लेम जो है वो जहन में रहे कि फ्लेम को हाई नहीं करना, स्लो ही रखना है, नहीं तो हाई करने से क्या होगा कि हमारा नीचे से जो ब्रेड का स्लाइस है और ऑमलेट है
वो जल जाएगा। बस अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हल्के हल्के से हमने प्रेस करना है ताकि ये इसमें सेट हो जाए। तो ये हल्के हल्के से हमने इसको प्रेस कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर मैं रख दूंगी चेडर चीज़ के स्लाइस। इसको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसी के साथ ही थोड़े से मोज़रेला चीज़ जो है वो भी हम इस पर डाल देंगे जो कि मैंने कद्दूकस किया हुआ है। ये बहुत हेल्दी सा हमारा जो है ब्रेकफास्ट शहरी के लिए बच्चों के लिए बनने वाला है। और अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने ब्रेड के स्लाइस इस तरीके से जो अंदर से जो पार्ट्स निकाले थे तो वो एक एक पार्ट मैं इसके ऊपर इस तरह रख दूंगी। ये सारा काम जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अब इसको भी हल्का हल्का से हम प्रेस करेंगे ताकि ये जो हमने चीज़ इसमें ऐड की है वो अच्छे से बैठ जाए। तो बस ये हम साइड देख लेते हैं इसके और ये नीचे से अच्छे से कलर में ये फ्राई हो चुके हैं। बस मैं इसका साइड चेंज कर देती हूँ, इसको पलट देती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दूसरे का भी मैं साइड चेंज कर देती हूँ और इसी तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके दूसरा साइड भी हमने फ्राई करना है। अब क्या करेंगे कि हमने इसमें चीज़ डाली है चेडर भी और मोज़रेला चीज़ भी, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो बस अभी इसको मैं कवर कर लेती हूँ 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए। तो बस ये 2 मिनट हो चुके और नीचे से भी इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो फ्लेम में कर देती हूँ ऑफ और इसको मैं डिश आउट कर दूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर दिया है और ये हमारा 10 मिनट ब्रेकफास्ट है जो कि शहरी के लिए, उन बच्चों के लिए जो पहला रोज़ा रखते हैं, तो उनके लिए मैंने ये शहरी का ब्रेकफास्ट बनाया है। तो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है चीज़ी सा हमारा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुँच सकेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।